तो दोस्तों, आपने तो फ्लिपकार्ट अमेजोन का फ्रॉड के बारे में सुना ही होगा, और क्लब फैक्ट्री का फ्रॉड वो तो निकल कर आते हैं बहुत सारा। लेकिन आपने कभी सुना है फेसबुक में भी स्कैम हो रहा है, जो आपने शायद थंबनेल में देखकर ही इस वीडियो में घुसा है। वो ही मैं बात करने वाला हूँ। फेसबुक अभी उसका मार्केटिंग प्लेस में बहुत ही स्कैम कर रहे हैं, वो सभी बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। तो वीडियो हो रहा है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजेबल। वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल यानी कि एंड तक देखते रहना, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना ना भूले, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर दिन हर वक्त मिलती ही रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामदीप और आप देख रहे हैं दीपटेक 3.0। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ हटके सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हटके सीखने का मतलब क्या है? कुछ अलग सीखना, कुछ अलग तरीके से सीखना। तो मैं आपको बता दूं, फेसबुक स्क्रॉल करते करते आपने तो देखा ही होगा बहुत सारा मार्केटिंग का ऑफर आपके पास आ रहे हैं। वो दिखाएगा आपका नियर बाई है, यानी कि नियर बाई में वो कोई शायद कोई बंदा या बांदी कुछ सेल कर रहा है। वो हो सकता है एक पेन सेल कर रहे, हो सकता है एक चेयर सेल कर रहे, हो सकता है मोबाइल सेल कर रहे। और आपने तो देखा ही होगा भाई, एप्पल का आईफोन, जो एप्पल आईफोन एक्स है जिसका अभी प्राइस मार्केट में 82,000 के करीब है, वो सेल हो रहा है भाई 16,000 में, 17,000 में। और आपने देखा वन प्लस का जो 6T वगैरह फोन है ना, जिसका प्राइस अभी 45,000 से ऊपर है, वो शायद तो गिरा ही नहीं उसका प्राइस, वो सेल हो रहा है भाई 5,000 में, 6,000 में। हाँ, मैं आपको इधर बताना चाहूंगा, यह तो शायद आपने चमक लिया होगा भाई कैसे हो रहा है। मैं फ्लिपकार्ट का और एक सर्विस टू गुड में देख रहा हूं, तो टू गुड में तो नहीं मिल रहा है भाई, लेकिन फेसबुक में मिल रहा है। बहुत सारा स्कैम है भाई इस मार्केटिंग प्लेस में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस स्कैम से पहले अब बचिए। पहले आपको कुछ खरीदना है तो थिंक हटके खरीदे, पहले थिंक कीजिए, पहले सोच लीजिए मैं जो खरीदना चाह रहा हूं ये क्या शायद ठीक है या गलत है, वो कैसे पहचाने, ये तो पहचाना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, वहां पर जब आप जाओगे ना, कुछ खरीदने जाओगे यानी कि फेसबुक मार्केटिंग प्लेस में जब आप खरीदने जाओगे, वहां पर कुछ पेमेंट मेथड आपको दिखाएगा। ज्यादातर पेमेंट मेथड कार्ड से ही होता है, यानी कि डेबिट कार्ड, वीसा कार्ड, मास्टर कार्ड, ऐसे ही होता है ज्यादातर पेमेंट। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारा वहां पर पेमेंट मेथड के बीच बीच में छुपा हुआ है होम डिलीवरी का पैकेज, यानी कि आपके सामान आपका होम डिलीवरी हो जाए उसके बाद ही आप पैसा देना। और एक बात बता दूं, सभी सभी जो टर्म एंड कंडीशन है सब कुछ पढ़ के बोल लेना, क्योंकि सभी सभी सेल में, मानो एक एप्पल का आईफोन अभी सेल हो रहा है, तो एप्पल आईफोन का शायद कुछ 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 प्रोडक्ट में एप्पल आईफोन जैसा है सब बड़ा बड़ा जिसका प्राइस है 18,000, 1 लाख, 50,000 जो अभी आपको मिल रहा है 15,000, 16,000 करीब। तो मैं आपको इधर बता देना चाहूंगा, पेमेंट करने से आगे आप जहां से भी यार पेमेंट करो, होम डिलीवरी लो या अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, टर्म एंड कंडीशन ज्यादा देख के लेना। वो आपके पास आएगा, कुछ खराब हो जाएगा, कुछ खराब मिलेगा या नहीं मिलेगा एप्पल फोन से, तो ऐसा बेहतर होता ही रहता है। आप देखते ही रहता है कि फोन के डब्बा में एक साबुन आ गया, फोन के डब्बा में एक माटी का ढीला आ गया, ऐसा तो आता ही रहता है। तो ये कैसे पहचाने और इसको कैसे फिराए, यानी कि फ्लिपकार्ट जैसा इस बार दे दूंगा और हाथ में वो आ जाएगा, जिसको इजी रिटर्न पॉलिसी कहते हैं। तो टर्म एंड कंडीशन में रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं, ये आपको देखना चाहिए। टर्म एंड पॉलिसी में वो इजी रिटर्न का पॉलिसी नहीं है, तो उसको नहीं लेना पहले। और मैं आपको इधर बता देना चाहूंगा, फेसबुक एक बहुत ही बढ़िया एक चैट सर्विस बन गया है, सोशल सर्विस बन गया है, तो इसके अंदर स्कैम होते ही रहता है, बहुत सारा स्कैम होते ही रहता है। तो मैं आपको बता दूं, ये फ्लिपकार्ट तो है यार, अमेजोन तो है यार, ये दोनों ठीक ठाक है। इस दोनों को छोड़ के अभी फ्लिपकार्ट में जो अभी ट्रेंडिंग आ रहा है, फेसबुक में जो अभी ट्रेंडिंग आ रहा है फेसबुक मार्केटिंग प्लेस, इसमें ज्यादातर सामान ना खरीदने का कोशिश कीजिए, और डेबिट कार्ड वगैरह नंबर ना देने का कोशिश कीजिए। बहुत सारा स्कैम के बारे में आपने सुना ही होगा, यूट्यूब में भी बहुत सारा स्कैम हो रहा है भाई आजकल। यूट्यूबर एक यूट्यूब में वीडियो करते हैं कुछ पैसे के लिए,
फेम पाने के लिए, लेकिन उसका भी चैनल अभी हैक हो रहा है, तो अपना डेबिट कार्ड हैक हो जाए तो क्या होगा? ये शायद आपको थिंक हटके ही लेना चाहिए। मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा, जो भी सामान खरीदना है फेसबुक से ही खरीदना है तो टर्म एंड कंडीशन देख के ले, वहां पर है कि नहीं इजी रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं ये शायद देख के ले, और जो सामान आपने ले रहा हो वो सामान पहले जानबूझकर ही ले, उसका वीडियो पहले देख लेना है आपको, कैसा वो कहां से वो आ रहा है वो भी आपको देख लेना है। बाद में आप पुलिस में जाओगे, FIR दर्ज करोगे तो बहुत दिन से केस चलेगा यार, क्या होगा कुछ नहीं पता, ऊपर वाला भी शायद नहीं आपको आंसर दे पाएंगे। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि ज्यादातर सामान खरीदना है तो Amazon Flipkart से ही खरीदे। बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है मैं कुछ आपको हटके इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने आपको बता दिया और ये वीडियो आपको पसंद भी आएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर ही देना, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा के ऑल बजाना ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर दिन लगभग घर बैठे सबसे मुफ्त मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद एंड वंदे मातरम।